हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फीस्ट विद रीत भाटिया। आज हम बनाने वाले हैं ग्लूटेन फ्री कुकीज़ फॉर आर लिटिल क्यूट बेबीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। जब हम इसे टच करें तो ये हल्का सा डेंट इसमें पड़ना चाहिए। बटर में मैं 30 ग्राम कास्टर शुगर ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर कास्टर शुगर नहीं है तो आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बटर और शुगर को अच्छे से क्रीम करना है जब तक कि इसका टेक्सचर लाइट एरी फ्लफी ना हो जाए। दिस स्टेप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी रेसिपी में। तो यहाँ पे हमारा बटर जो है वो शुगर के साथ अच्छे से क्रीम हो चुका है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया है। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम फिर से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हम वनीला एसेंस ऐड कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो इसमें हम 100 ग्राम राइस फ्लावर ऐड कर रहे हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, आप नॉर्मल राइस फ्लावर जो चावल का आटा हमें मोटे वाला दरदरा मिलता है उसे हम ऐड नहीं करेंगे। उसे पहले हमें ग्राइंड करना है अच्छे से, बिल्कुल मैदा जैसा हमें फाइन टेक्स्चर चाहिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जस्ट लाइक अ कुकी डो। मिक्स करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमारा डो जो है वो ज़्यादा पतला है या मैनेजेबल नहीं है तो थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर 10 मिनट्स, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। सो आफ्टर 10 मिनट्स डो हमारा मैनेजेबल हो गया है। अब हम इसे रोल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर लिया है रोल करने के लिए। कुकी डो को हम ज़्यादा मोटा रोल नहीं करेंगे, हमें इसे बहुत ही थिन शीट में रोल करना है क्योंकि बेबीज़ ज़्यादा मोटी कुकीज़ नहीं खा सकेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो कुकी डो की शीट है वो बहुत ही थिन रोल करनी है आपको। सो रोल करने के बाद अब हम इसे दोबारा से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है तो डो हमारा बहुत जल्दी वार्म हो रहा है। सो 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने कुकी डो को बाहर निकाला है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसको कट करने के लिए मैंने हेलो किटी के जो कुकी कटर्स आते हैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ के साथ कुकीज़ कट कर सकते हैं, कोई ग्लास या कोई कटोरी या कोई स्टार कटर। ये मैंने जस्ट, बच्चों को अट्रैक्टिव लगती हैं ऐसी चीज़ें, इसलिए ये वाला कटर लिया है। जो एक्स्ट्रा डो है उसे हम स्पैचुला की मदद से निकाल लेंगे। तो फिर से रोल करने के बाद हम दोबारा से बाकी की जो कुकीज़ हैं वो हम कट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि आपकी कुकीज़ को उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सॉफ्ट लग रहा है तो प्लीज़ उसे 10-15 मिनट्स के लिए फिर से फ्रिज में रखें। तो चलिए कुकीज़ को बेक करते हैं इन प्री हीटेड ओवन एट 160 डिग्री फॉर 10-12 मिनट्स। मैंने दोनों रॉड्स को ऑन किया है क्योंकि हमने कुकीज़ को बहुत ही थिन रोल किया है, तो हो सकता है कि 12 या 10 मिनट से पहले ही आपकी कुकीज़ बेक हो जाएं। प्लीज़ इन पे नज़र रखिए, जब आपको लगे कि इनका जो बॉटम पार्ट है वो हल्का सा ब्राउन होने लग गया है तो आप अवन बंद करके कुकीज़ को रिमूव कर लें। यहाँ पे हमारी कुकीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली बेक हो चुकी हैं। ठंडा करने के लिए इनको वायर रैक पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें बेकिंग ट्रे में ही ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इन्हें इमीडिएटली ज़िपलॉक बैग में या तो एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सॉगी हो जाती हैं। मैंने ये रेसिपी 1 ईयर ओल्ड बेबीज़ के लिए बनाई है, लेकिन बड़े बच्चों को भी ये कुकीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच।